नैनीताल सांसद अजय भट्ट लालकुआं पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सांसद अजय यहां हल्दूचौड़ स्थित शिवपुरी निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता पीएल गुप्ता के स्वास्थ्य का हालचाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता विकास एवं सुशासन के नाम पर फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पहली बार बिंदु खता राजस्व गांव का मामला सदन में गूंजा है। प्रदेश और केंद्र की सरकार राजस्व गांव के मामले में गंभीर है, जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नहीं, लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। जब से वो मामले को हमने लोकसभा में उठाया है उसमें लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जब एक बार कोई मामला उठ जाता है तो वो मामला फिर बैठता नहीं है। उसमें सुखद परिणाम आएंगे, थोड़ा समय लगता है, उसमें समय लगता है, कभी फाइल नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर जाती रहती है, वो प्रोसेस में होती है। तो इसके लिए मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। और वैसे भी इतने बड़े क्षेत्र को कोई अब खाली नहीं करा सकता है, क्योंकि आज वो कृषिक भूमि हो गई है, वन भूमि रही ही नहीं। जबकि वहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि लोग 70-80 सालों से रह रहे हैं, तो पीढ़ियाँ रह रही हैं वहाँ पर, तो अब कोई जाने का प्रश्न ही नहीं होता वहाँ से। लेकिन मालिकानाक नहीं है, हाँ, वो दिक्कत है। अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि कानून की जटिलता होती है, वन संरक्षण अधिनियम है और भी वन भूमि के बड़े कानून जटिल हैं, तो वो जटिलता होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव पर कुछ संभव है कि इसमें कुछ सार्थक परिणाम आने चाहिए, हमको उम्मीद तो रखनी चाहिए कुछ ना कुछ ठीक हो। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।